नमस्कार, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीवो Y66 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आपको बता दें, वीवो ने इंडिया में Y66 को रिसेंटली लॉन्च किया है और ये फोन भी दूसरे फोन्स की तरह ही एक कैमरा सेंट्रिक फोन्स है। इसीलिए आप देख सकते हैं बॉक्स के फ्रंट साइड में लिखा हुआ है 16 मेगापिक्सल मूनलाइट कैमरा, मींस में आपको मिलता है फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का और वो आपको मिलता है फ्रंट फ्लैश के साथ में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की। तो वीवो Y66 इंडिया में लॉन्च हुआ है 14,980 रुपए की प्राइस में और ये अवेलेबल है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट्स में। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स को। तो आप फ्रंट साइड देख सकते हैं बॉक्स का, जहां पे मेंशन है 16 मेगापिक्सल मूनलाइट कैमरा Y66 और ये फोन है वोल्टी इनेबल्ड। करते हैं इसका बैक साइड, यहां पे आपको दिख जाएंगे कुछ की फीचर्स, जिसपे सबसे पहले मेंशन है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, फ्रंट मूनलाइट ग्लो, 3GB रैम इसमें आपको मिलता है, 32GB इंटरनल मेमोरी मिलता है। इसके अलावा 5.5 इंच का HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा नीचे है आई में नंबर्स, बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आपको साथ में मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें मेंशन है। करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आपको देखेगा वीवो IPL टाइटल स्पॉन्सर, इसका ब्रांडिंग क्या हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हमें इसका देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स को हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, तो करते हैं इसको ओपन। तो सबसे पहले देखने के लिए मिलता है हमें ये फोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है गोल्ड कलर में। चलिए रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर गाइड्स, एक ट्रांसपेरेंट कवर इसके लिए और एक चार्जर जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर। आपको बता दें ये फास्ट चार्जर नहीं है और वीवो ने यहाँ पर नॉर्मल चार्जर भी नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल चार्जर में भी आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का पावर मिलता है। एक डेटा केबल जो कि माइक्रो USB 2.0 है और एक बेसिक से ईयरफोन्स। ये सारी एसेसरीज हैं जो कि आपको वीवो Y66 के साथ मिलने वाली हैं। चलिए इनको रखते हैं साइड में और फोन को करते हैं ऑन। तो ये फोन है वीवो का Y66, जिसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का स्क्रीन साइज, जो कि HD डिस्प्ले है। और अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, तो आप देख सकते हैं ये वैसा ही लुक हमें देखने के लिए मिलता है जैसा कि हमें वीवो के V5 में देखने को मिला था। एज इट इज सेम डिजाइन दिया गया है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। और अगर हम बात करें इसके बिल्ट इन क्वालिटी की, तो ये फोन भी बना है एक प्लास्टिक बॉडी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो जरूर मेटलिक लगती है, लेकिन ये फोन है प्लास्टिक बॉडी पर। और अगर हम देखें इसके डिजाइन को, तो एक बेसिक सा डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि वीवो अपने सारे फोन्स में देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जैक्ट वीवो के V5 जैसा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए ले लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं फोन को ऑन। सबसे पहले फ्रंट में आप देख सकते हैं ये है सेल्फी फ्लैश, जिसको वीवो कहता है मूनलाइट ग्लो। ये है स्पीकर, सेंसर और ये है फ्रंट कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का है। नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा रीसेंट की, होम की और बैक बटन। ये बटन आते हैं कैप्सिव टच के साथ में। करते हैं साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की, पावर की। करते हैं इस साइड, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक सिम स्लॉट, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। आप चाहें तो दो सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो USB 2.0 चार्ज करने के लिए, स्पीकर, वॉइस कैंसिलेशन माइक और 3.5 जैक। तो ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। आपको बता दें कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। वीवो ने 15,000 की प्राइस में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। तो चलिए करते हैं फोन को ऑन और देखते हैं कि फोन का कैसा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए जब तक ये फोन ऑन होता है, हम देख लेते हैं इसके क्विक स्पेक्स। ये फोन आपको मिलता है MediaTek 6750 चिपसेट के साथ में, जो काम करता है 1.5 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर। 3GB रैम आपको यहाँ पे मिलेगा, 5.5 इंच का स्क्रीन साइज है जो कि HD IPS डिस्प्ले है। मालिका T860 आपको GPU मिलने वाला है, 32GB स्टोरेज है जिसको आप बढ़ा सकते हैं 128GB तक, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट। 13 मेगापिक्सल रियर और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा, जो कि सेल्फी फ्लैश के साथ में आपको मिलता है। और यहाँ आपको मिलता है 3000mAh का बैटरी। तो ये फोन ऑन हो चुका है और ये आप देख सकते हैं वीवो Y66 का होम स्क्रीन। और यहाँ पर भी आपको वैसा ही यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि वीवो अपने सारे फोन्स में देता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिस्प्ले क्वालिटी। तो आपको बता दें,
वीवो ने 5.5 इंच के स्क्रीन साइज में दिया है HD डिस्प्ले मीन 720 पिक्सल्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखते हैं इसको डिफरेंट एंगल से तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले क्वालिटी कितना डल सा दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट 5.5 इंच के स्क्रीन साइज में फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें कि आपको एक अच्छा डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिल सकता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी यहाँ पे आपको अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पे हमें एक बेसिक से फोन का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। तो यहां आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का आपको वर्जन मिलने वाला है 6.0 जो कि मार्शमेलो है। चलिए अब चलते हैं स्टोरेज पे। तो यहां आपको मिलने वाला है 32 GB स्पेस में से 23.38 GB फ्री स्पेस। ऑलमोस्ट 9 GB का स्पेस यहां पे यूज किया गया है इसकी एप्लीकेशन और OS में। चलिए अब चलते हैं कैमरे की परफॉर्मेंस पे क्योंकि वीवो बनाता है कैमरा सेटिंग्स फोन। तो यहाँ आपको बता दें फ्रंट कैमरा मिलने वाला है 16 MP का और वो है एक सेल्फी फ्लैश के साथ में और बैक कैमरा आपको मिलने वाला है 13 MP का। चलिए ओपन करते हैं कैमरे की ऐप को और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कुछ मोड्स, टेक फोटोज, फेस ब्यूटी, ब्यूटीफाई इफेक्ट, पैनोरामा मोड्स, इस टाइप के आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे और मोड्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं जिसमें नाइट मोड, अल्ट्रा SD, PPD, प्रोफेशनल मोड, स्लो मोशन और टाइमलेस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि कैसा कैमरा क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थी कैमरे की कुछ पिक्चर्स जो कि हमने इसके रियर और फ्रंट कैमरे से लिए हैं। अगर हम बात करें इसके रियर कैमरे के पिक्चर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, एक्सपोजर ठीक ठाक है और अगर हम बात करें डिटेलिंग की तो डिटेलिंग भी क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स की जो कि इस फोन का की हाईलाइट है, वहां पे आप देखेंगे कि आपको पिक्चर्स में वाइटनेस ज्यादा दिखाई देगा। क्लियर पिक्चर है, ब्राइट सेल्फी है लेकिन आपको एक्चुअल पिक्चर वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इन सारी इमेजेस में आपको यहाँ पे वाइटनेस ज्यादा दिखाई देगा, जो एक्चुअल क्लियरिटी है वो यहाँ पे मिसिंग है और जो फीचर की हाईलाइट है इस फोन का वहीं पे आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप चाहते हैं ब्राइट सेल्फी, आप चाहते हैं कि जैसे आप नहीं हैं वैसे दिखें, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मेकअप हो जाए तो आपको इसका कैमरा अच्छा लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी पिक्चर्स में आपको एक अलग सी लाइट दिखाई देगी जिससे कि एक्चुअल क्वालिटी मिसिंग है। चलिए आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो सेंसर्स के लिए आप देख लेते हैं इसकी लिस्ट। तो ये ओपन हो गई है सेंसर्स की लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट, एक्सीलरेटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटिक, ग्रेविटी, जायरोस्कोप, ओरिएंटेशन, ऑलमोस्ट सारे सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। ये अच्छी बात है, ओप्पो और वीवो के फोन्स में आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाएगा ताकि आप VR का एक्सपीरियंस में ले सके। अगर बात करें फोन की परफॉर्मेंस की तो आपको बता दें यहाँ आपको मिलने वाला है MediaTek का 6750 चिपसेट जो कि काफी पुराना चिपसेट है और यही चिपसेट हमें Vivo के V5 में भी देखने को मिला था और आप MediaTek 6750 चिपसेट का परफॉर्मेंस देख ही चुके होंगे। अगर हम एक लाइन में कहें कि Vivo Y66 क्या है तो ये है Vivo का V5 जहां से कुछ फीचर कम कर दिए हैं, जैसे कि फ्रंट कैमरा 20 MP से 16 MP कर दिया है, रैम 4 GB से लेकर 3 GB कर दिया है और यहाँ से फिंगरप्रिंट स्कैनर हटा दिया गया है। इसके अलावा एग्जैक्ट चीजें आपको सेम मिलने वाली हैं, चाहे वो लुक हो या फिर अदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था Vivo Y66 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप इस फोन का पर्टिकुलर कोई रिव्यू चाहते हैं या कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे कैसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।